हाय फ्रेंड्स, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का राधा की रसोई में। आज हमारे यहाँ आषाढ़ी की पूजा है, यानी गुरु पूर्णिमा की। आज हमने देखिए क्या क्या बनाया है। यहाँ हमने बनाया है सीरा, जिसको हलवा भी कहते हैं और कुछ लोग लपसी कहते हैं, लेकिन यहाँ पर हमारे यहाँ सीरा कहा जाता है। सीरा बनाया है और यहाँ हमने बनाई है कटहल की सब्जी। वैसे हम घुइया की सब्जी बनाते थे, लेकिन घुइया मिली नहीं तो हमने कटहल की सब्जी बनाई है। और ये भोग प्रसाद के लिए जो हमारे यहाँ आषाढ़ी भगवान बनते हैं उनको हम भोग लगाते हैं। तो इसमें ये ज़रूरी नहीं है कि लहसुन प्याज नहीं खाया जाए, कुछ भी खा सकते हैं, उसमें कुछ भी भोग लगा सकते हैं। और हम बनाएंगे दाल की भरी रोटी। ये हमने दाल को, चने की दाल को हमने इसमें हमने डाला है हरा मिर्च, धनिया और नमक, जीरा, हींग, लहसुन, सब कुछ मिक्स करके इसको हमने दाल को पीस लिया है और इसको थोड़ा सा टाइट कर लिया था। अब हम बनाएंगे दाल भरी रोटी। फ्रेंड्स, समय के कारण हमने फुल वीडियो आपको नहीं आपके पास ला पा रहे हैं। इसकी सीरा की हम वीडियो आपको जल्दी पहुंचाएंगे। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं दाल भरी। और यहाँ देखिए, दाल भरी बनाने के लिए हमने सॉफ्ट सा डो लगाया है, यानी आटा लगा लिया है। अब हम इसकी छोटी छोटी सी लोइयां तोड़ लेंगे, करीब इतनी इतनी बड़ी, और हम रोटियां बनाएंगे। हमारे यहाँ रोटियां चढ़ती हैं और इसको थोड़ा सा सूखा आटा लगाकर हम इसको बढ़ा लेंगे ऐसे गोल गोल सा। फिर इसमें हम दाल भरेंगे। अच्छे से दाल भरना होता है और इसको ऐसे करके ऐसे हम अंदर इसको भर लेंगे इसकी स्टफिंग। थोड़ा सा सूखा आटा लगाकर इसको हम फिर बढ़ाएंगे ऐसे। बढ़ाने से ये होता है कि ये रोटियां हो या पूड़ी हो, कचौड़ियां हो, फटती नहीं है। और बस इसको हम हल्के हाथों से बेल लेंगे। पूजा के लिए बना रहे हैं तो हम सिर्फ इतनी बड़ी ही बनाएंगे, इससे बड़ी नहीं बनाएंगे। और जो खाने के लिए बनाएंगे तो हम बड़ी बड़ी बनाएंगे। और इधर हमने तवा चढ़ा दिया है। और यहाँ देखिए, तवे को हमने चढ़ा दिया था पहले से। अब इसमें हम रोटी डालेंगे और दूसरी रोटी तैयार कर लेंगे जब तक ये तवे में हो रही है। अब हम रोटी को पलट देंगे और ज़्यादा तेज आंच में इसको नहीं सेकना है, क्योंकि अंदर से दाल है, कच्ची रह जाएगी। और यहाँ रोटी देखिए अच्छे से पक गई है, इसको हम हटा देते हैं, दूसरी डालेंगे और हल्की सी तेज करेंगे ये गैस को। धीमी धीमी आंच में हम इसको सेकेंगे ताकि ये कच्ची ना रह जाए। और बहुत झटपट से बन जाती हैं रोटियां और बहुत ही टेस्टी लगती हैं। आप लोग भी ट्राई जरूर कीजिएगा। ये देखिए कितने अच्छे से फूल भी रही है। जैसे हमने एक बार आलू की रोटी डाली थी वीडियो में, वैसे ही ये होती हैं और बहुत ही टेस्टी लगती हैं। ये देखिए हमने इसको सेक ली है, ऐसे ही हम दूसरी सेक लेंगे, फिर आगे आपको दिखाते हैं। और यहाँ देखिए भोजन बिल्कुल तैयार है। ये आम आम बहुत ज़रूरी होता है आषाढ़ी के दिन, गुरु पूर्णिमा के दिन। और ये सब्जी, ये सीरा, और यहाँ ये रोटियाँ बिल्कुल तैयार हैं भोग लगाने के लिए। और यहाँ पर हम रखेंगे एक लोटे में जल,
ये देखिए हमारी थाली बिल्कुल कंप्लीट हो गई है, भोग की थाली। अगर ये हमारी वीडियो आपको पसंद आती है भोग की थाली की, तो लाइक शेयर कमेंट्स सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।